इस पहाड़ी गांव में मुझे मिली एक कैनेडियन बेकरी और एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो अगर आज आप मेरे साथ दूसरों के छोटे छोटे सपनों को अपना सबसे बड़ा सपना बनाने की कहानी सुनने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं फिर। तो आज की कहानी भी शुरू होती है मेरे उसी रस्किन बॉन्ड के शहर में बसे हुए प्यारे से सेकेंड होम से। आता तो यहाँ हर साल ही हूँ, बट इस बार क्रिसमस पे आना चाहता था। क्यों? वेल, इसलिए बिकॉज इट इज इंडीड द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। अंडर ट्विंकलिंग लाइट्स ऑन अ फ्रॉस्टी विंटर्स डे, द सेंट ऑफ मल्ड वाइन एंड जिंजर ब्रेड इज एज इंटॉक्सिकेटिंग एज आर दी स्मॉल नॉस्टैल्जिक कॉर्नर्स विद टाइनी क्रिसमस डेकोर। एक मिनट, आज का एपिसोड इज नॉट रियली अबाउट क्रिसमस इन लैंडोर। एक्चुअली क्या करूं, जब लैंडोर की बात आती है ना तो मैं बस थोड़ा बहक जाता हूँ। लेकिन क्रिसमस तो सेलिब्रेट करना है, बट यहाँ से जरा दूर, जल्दी वहां चलते हैं, तब तक थोड़ा सा और लैंडोर देखिए। तो आज जा रहे हैं उसी गांव में जहां मैं कुछ महीने पहले भी गया था। तो फिर वापस क्यों जा रहा हूं, ये आपको वहां पहुंचने पे ही पता चलेगा। मसूरी से बस 18 किलोमीटर दूर है सेंजी गांव, जो पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुआ है कॉर्न विलेज के नाम से। और इस गांव में है एक कैफे जहां ऐसे केक्स और बेकरी आइटम्स मिलते हैं जो हमने एक रिमोट जगह से कभी एक्सपेक्ट ना किया हो। जब पिछली बार आया था तो सिर्फ गांव और बेकरी देख के चला गया था, पर इस बार यहां की ओनर से मिलने और उनके इस यूनिक स्कूल के बारे में जानने आया हूं। पहली नजर में देखो तो कॉर्न विलेज कैफे किसी भी और बेसिक रेस्टोरेंट की तरह ही लगता है, बट व्हाट सेट्स इट अपार्ट इज द आइडिया बिहाइंड इट्स एग्जिस्टेंस। मीट लॉरी चौहान, द विजनरी बिहाइंड द कैफे, हु अलोंग विद हर हस्बैंड हैड सेट अप दिस हम्बल प्लेस टू रेज फंड्स फॉर गढ़वाल इंग्लिश मीडियम स्कूल। लॉरी वैसे एक कैनेडियन है जो इंडिया आई थी अपनी पीएचडी रिसर्च के लिए, बट फेट लेड हर टू सेंजी वेयर शी मेट हर हस्बैंड कुंवर चौहान। टुडे द कपल शेयर अ कॉमन ड्रीम ऑफ अपलिफ्टिंग द रूरल विलेजेस थ्रू एजुकेशन। Responsible for locking up. ये ऑर्डिनरी से दिखने वाला स्कूल एक्चुअली एक उम्मीद की किरण है यहाँ के बच्चों को बेहतर फ्यूचर मिलने की। सिर्फ 8 स्टूडेंट्स के साथ स्टार्ट हुए इस स्कूल में अब करीब आसपास के 25 गांव से बच्चे आते हैं, और भले धीरे धीरे ही सही, यहाँ का डेवलपमेंट और बच्चों की एक्साइटमेंट दोनों बढ़ रहे हैं। I was doing my doctorate degree in anthropology, so I'd actually come to Lander to do, first of all, language training, and then I was doing research in another village close to Lander. And
So that's when my husband, Kunwar, heard about my work. All right. Because at the time he was the Zilat Panchayat Pradhan. And my village was in his area. So he came and introduced himself, and we were married 6 months later. So we had lots in common. Yeah. And I moved to Senji. Well, at the time, I mean, when we got married, I thought I was going to finish my doctorate. But then what started happening was that some of the children were coming in asking me to teach some English. So I started doing that just very informally. And then after about a year, the villagers started coming in asking us to open up an English medium school. And by that point, it just seemed the right thing to do. And so we were really happy about it. And I just forgot about the doctorate degree because doing the school was much more important. In the very beginning, the first kids who came, I remember one boy in particular, he was in class 3, and I was trying to teach him. We were doing addition, and he couldn't add 4 plus 7. And he was stood there and he was trying to count on his fingers. And then he looked up at me and he said, "I can't learn, Auntie, I'm dull." And I looked at him and I said, "Whoever told you that?" And he said, "Well, my teacher and my father." And I said, "Well, you're not dull." And so we introduced activity-based learning into the school. And, you know, so the kids could visualize as much as they could. Well, halfway through that year, we were working on fractions, and that little boy, I remember marking his math test, and he got 82% on his test. And I came running out and I'm like, "Amma, you got 82, look at this." And I said, "So you're not dull. You are smart and you can learn." And this little boy just got this grin that just spread across his face. And you know that boy right now, what he's doing? He's becoming an accountant. So there's somebody who couldn't add 7 plus 4, and somebody told him that he couldn't learn. And when you encourage a child and tell them, "Yes, you can learn and you are smart," the whole picture changes. We used to support the school by hosting different groups from around the world, and they would come and do different projects with the school. And so that was most of our revenue, and that's what went to support the school. Of course, then the pandemic hit and everybody canceled, bing, bing, bing. So we had nothing, and we had to continue with giving online classes and supporting our teachers and so forth. So my husband looked at me one day and said, "Well, you like to bake." And he started building the cafe and bakery. But at the time, this was after the first lockdown, and there was a lot of people coming from cities, and they were, they'd come to see the village, and they'd always say, "It'd be nice to get a cup of chai somewhere." And so, yeah, the cafe was born. Is like many came to Bethlehem that night. They find no place to born the child, not a single room was aside. Hark now, hear the angels sing, the King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. इस स्कूल की शुरुआत हुई थी जब लौरी और कुंवर चौहान की शादी के बाद गांव वालों ने आके उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर वो यहाँ के बच्चों को इंग्लिश सिखा दें। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पे यहाँ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था और जो मसूरी में थे वो इनके लिए अफोर्डेबल नहीं थे। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द गढ़वाल इंग्लिश मीडियम स्कूल विच हैज नाउ क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 8। और आज इन बच्चों को क्रिसमस कैरल्स गाते देखना सिर्फ उनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी नहीं दर्शाता बल्कि इसमें उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिखाता है।
स्कूल के बाद कुंवर जी हमें लेके गए अपना गांव दिखाने। उनकी पैदाइश यहीं की है, वो यहाँ के प्रधान भी रह चुके हैं और इस जगह को भली भांति जानते हैं। He was educated in Delhi but chose to return to his village as he wanted to work towards the upliftment of the area. ये हमारी लहसुन है, लहसुन चल रही है। क्या-क्या? प्याज है, लहसुन। सीजन क्या-क्या रहता है यहाँ पे? अब सब एक ही बार कटाई, एक ही बार हार्वेस्ट होता है? नहीं यहाँ जो मेन फसल है जैसे मक्के और गेहूँ की, वो तो साल में दो ही बार होता है। दो बार होती है। अच्छा। एक बार मक्के, एक बार गेहूँ। अच्छा। पहले यहाँ खलियान होते थे हमारे, तो गांव की शादियाँ वगैरह इधर ही? हाँ, अब शादी होती है। पहले बैलों से हम थ्रेशिंग करते थे, तो पूरे गांव वालों के खलियान थे यहाँ पे ही थे खलियान। हाँ, तो जब मशीन आ गई तो फिर वो अनयूज्ड हो गए, ये जगह खाली हो गई। तो हाँ, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको कम्युनिटी बनाया जाए। बहुत ही बढ़िया, तो ये बहुत फायदेमंद है। बट ट्रेडिशनल जो मकान है वो दो तीन वहाँ बचे हुए हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादातर लोग उसी को देखना पसंद करते हैं। अब ट्रेडिशनल मकान इतने कम क्यों हो गए? मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब या उनकी बनावट, गवर्नमेंट अब पेड़ काटने नहीं देती, पेड़ अच्छा, कम तो भी हो गए। ये सब देवदार के? हाँ, देवदार के, तो अब अलाउड नहीं है। अच्छा, अब कम भी हो गए जंगल और मना भी है अब। पिछले कुछ सालों में सैनजी गांव ने थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी गेन की है अपने कॉर्न विलेज टैग की वजह से, लेकिन कॉर्न के साथ साथ यहाँ आना ऑथेंटिक माउंटेन कल्चर और रस्टिक लाइफस्टाइल का भी एक ग्लिम्स देता है। ऑल्दो अब ज्यादातर घर सीमेंट के बन गए हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे हैं जो देवदार की लकड़ी के बने हुए हैं। इन सभी घरों के बाहर मक्की को बांध के सूखने के लिए टांगा हुआ था। व्हाइल द एक्चुअल पर्पस ऑफ हैंगिंग आउट कॉर्न वाज टू ड्राई देम, द वे इन विच इट वाज डन वाज एस्थेटिकली क्वाइट प्लीजिंग। ये है दरवाजे, तो इसी में सभी डिलीवरी भी इसी में होती है, इसी में अंदर होती थी, और गोडाउन भी है, अनाज का भंडार इसी में है। यहाँ मधुमक्खी यहाँ सक्रिय है, यहाँ एक्टिव है, यहाँ एक्टिव है। अच्छा, ये आ जा रही है। अब ऐसी जगह मक्की रखी, यहाँ कोई पक्षियाँ खा नहीं रही, क्योंकि यहाँ गांव के अंदर है। अच्छा, जो बाहर जितना लगा, जो बाहर है तभी हटा दी लोगों ने पहले, जब हार्वेस्ट से हनी निकालते हैं क्या? हाँ, निकालते हैं। गांव घूमने के बाद अब हम सभी को जोरों की भूख लगी थी। जब तक खाना बन रहा था, द व्यूज वर टेकिंग केयर ऑफ आर हंगर। यहाँ की पहाड़ी थाली भले ही सिंपल हो, बट यहाँ के हवा पानी में सब कुछ बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब इसके साथ मिले कोकोनट पाइज, ब्राउनीज, डेट स्क्वायर्स और ऐसे व्यूज, देन इट्स लिटरली आइसिंग ऑन द केक। कॉर्न विलेज कैफे और गढ़वाल इंग्लिश मीडियम स्कूल की कहानी आज मुझे उस मूवी का टाइटल याद दिलाती है कि एक अकेला बंदा ही काफी है। थ्रू लॉरीज कंसिस्टेंट कमिटमेंट, शी इज नॉट ओनली टचिंग लाइव्स बट ऑल्सो गिविंग देम ए चांस टू ड्रीम बिग। इस नोबल मिशन में आप भी कई तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस कहानी को जितना पॉसिबल हो उतने ज्यादा लोगों तक पहुँचाए। ये स्कूल एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी ऑफर करता है, जहां हर महीने 1200 रुपए कंट्रीब्यूट करके आप किसी एक बच्चे की एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बुक्स और यूनिफॉर्म स्पॉन्सर कर सकते हैं। एडिशनली आप यहां वॉलेंटियर भी कर सकते हैं कोई भी ऐसी स्किल के साथ जिसे स्कूल और बच्चों को हेल्प मिले। सो इफ यू विश टू सपोर्ट इन एनी शेप और फॉर्म, द डिटेल्स आर शेयर्ड हियर एज वेल एज इन द डिस्क्रिप्शन।
हैं।